जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीसीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के दिन इसमें बात करेंगे कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत से लोग जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, कम से कम जिन लोगों ने साल भर से इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उनका पोर्टफोलियो तो पक्का अभी रेड में चल रहा होगा। मतलब इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक निगेटिव में चल रहा होगा। तो ऐसे लोग ऊब गए हैं इस स्टॉक से कि इस स्टॉक को बेच दें या अभी बने रहें, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद अभी भी इस स्टॉक में बाकी है। तो इसी उम्मीद पर हम वीडियो बना रहे हैं कि क्या अभी इसमें हमें करना है। चलिए शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करते हैं। देखिए, आपको पता है कि बीसीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसको एमपीएस इन्फो टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों का नाम मतलब नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है, कंपनी एक ही है। और ये कंपनी करती क्या है, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आईटी के सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है आईटी सेक्टर में, लेकिन आईटी सेक्टर में कामकाज करती है। और आपको पता है कि आईटी सेक्टर के लिए इन अच्छे नहीं चल रहा है, लेकिन आपको यह भी पता है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में तेजी आएगी, आईटी सेक्टर बूम करेगा। और जब आईटी सेक्टर बूम करेगा, आईटी सेक्टर की सभी कंपनियां अच्छी करेंगी, सभी कंपनियों का शेयर प्राइस जब ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो चलिए उसी को समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप है 170 करोड़, यानी कि कंपनी एक पेनी स्टॉक है, यह तुम सभी जानते हैं। और शेयर प्राइस देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 45 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस कम है, ये चिंताजनक बात है। और दूसरी चिंताजनक बात यह है कि कंपनी का जो आरओई है और आरओसी है, यह भी देखेंगे तो माइनस में। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आरओई और आरओसी दोनों माइनस में नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो लेकिन पॉजिटिव में हो तो अच्छा माना जाता है। लेकिन सामान्यतः जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनका आरओई और आरओसी दोनों माइनस में होता है, ये एक चिंता की बात हो जाती है। खैर, ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि यदि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होता है, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट धीरे धीरे अच्छे आने लगते हैं, तो ये जो चीज़ें आप माइनस में देख रहे हो सभी सभी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, सभी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अभी हमने यहाँ पे 3 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। 3 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि तकरीबन यहाँ पे 2022 में कंपनी का ब्रेकआउट हुआ था, कंपनी के चार्ट का ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा तेजी स्टॉक में देखने को मिला। ये मैं मई 2022 की बात कर रहा हूँ। मई 2022 की बात देखेंगे तो यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे ही गया है। और उसके बाद से अभी देखेंगे तो फिर से स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। पहले जहाँ कंसोलिडेट कर रहा था लगभग उसी प्राइस पे भी, ये देखेंगे स्टॉक अभी भी 40 पैसा से लेकर 60 पैसा के बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा आपको। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, तो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, उसमें एक ब्रेकआउट होता ही होता है, सामान्यतः ब्रेकआउट ही होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। और आपको यदि पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपके लिए 40 पैसा का जो लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि यदि ब्रेक डाउन करके 40 पैसा से प्राइस नीचे आता है और 30 पैसा के लेवल तक आ जाता है, तब आप इसमें से बाहर हो जाएगा। हालांकि ब्रेक डाउन होने के चांसेज नहीं, इसमें ज़्यादातर ब्रेकआउट होने के ही चांसेज हैं। ब्रेकआउट होगा और एक बार जहाँ इस कंपनी के शेयर प्राइस 60 पैसा के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला, सीधे फिर यहाँ 1.60 रुपये तक इस कंपनी का शेयर प्राइस इजीली आपको आते हुए दिखेगा, क्योंकि बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है। यदि बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करता है, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो सीधे 1.60 रुपये तक आपको इजीली इस कंपनी का शेयर प्राइस जाते हुए दिखेगा। यदि आपको पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें अभी बने रहिए, इतने दिनों से बने हुए हैं, तो किसी को चिंता करने की बात कोई नहीं है। चिंता की बात तब होगी जब मैंने आपको बताया कि प्राइस 40 पैसा के लेवल को तोड़ के नीचे आएगा तब, हालांकि उसकी उसकी वो संभावना होते हुए यहाँ पे नहीं दिख रही है, इसलिए आप बने रहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जब आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे कंपनी का सेल्स भले कम हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन सेल्स उतना भी खराब नहीं है, सेल्स थोड़ा सा ही कम हुआ है। और सेल्स कम होने के बाद कंपनी का जो लॉस है, लॉस आपको मैं दिखाऊंगा, लॉस कंपनी का कम होते हुए दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊँ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट प्रॉफिट में आपको पता लगेगा कंपनी पहले लॉस में थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इस बार जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें देखेंगे आप लॉस कम होते हुए दिखा है। यानी कि ओवरऑल एक छोटी कंपनी है, इसमें कंपनी अभी संघर्ष कर रही है, संघर्ष के दिनों में भी कंपनी अच्छे नंबर ला रही है, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट मजबूत हो रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जब आईटी कंपनियों में तेजी आएगी तो ये कंपनी में भी तेजी आएगी, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल उतना भी बुरा नहीं है, पेनी स्टॉक के लिहाज से ओके ओके है। और अच्छे दिन आएंगे तो इस कंपनियों के भी दिन बहुरेंगे, और जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट है उनके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, मेरा एनालिसिस तो ये कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चाहते हैं मुझसे जुड़कर बातें करना तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।